हियर मैम रेन में क्या कर रही है? इट्स टू रेनिंग आउटसाइड। लेकिन मैं यहाँ आई हूँ, देयर इज सम पर्पस फॉर दैट। क्या? चलो आपको बताती हूँ। सी किड्स, आई एम इन द स्कूल और हमने अपने स्कूल में रेन हार्वेस्टिंग के लिए, इट मींस रेन का जो पानी आता है, हमने पाइप्स लगाए हुए हैं एंड दिस इज द टैंक फॉर दैट। ये देखो, ये एक टैंक है हमारे जिसमें पाइप के थ्रू सारा रेन का वाटर स्टोर हो जाता है। इट्स अ ह्यूज टैंक इनसाइड, बहुत बड़ा टैंक है और सारा रेन का पानी इकट्ठा हो जाता है। और समर डेज में हम क्या करते हैं, यही पानी प्लांट्स को देते हैं। सो सेम वाटर आप भी इस साल तो नहीं कर सकते, नेक्स्ट ईयर मम्मा को बोलो डू सम प्लांट फॉर स्टोर द रेन वाटर। मम्मा कुछ प्लांट बनाएंगी, पाइप्स लगवाएंगी ताकि टैंक में सारा रेन का पानी स्टोर होने लग जाए। ओके किड्स, हमने आज रेन हार्वेस्टिंग के लिए बात करी। नाउ आज क्यों रेन हार्वेस्टिंग के लिए बात करी? क्योंकि ये फ्लावर्स तो तभी उगेंगे ना जब हम प्लांट्स को अच्छे से पानी देंगे। सो टुडे वी आर डूइंग दिस एक्टिविटी इन आवर आर्ट एक्सप्रेस बुक। ओके लेट्स स्टार्ट। इसके लिए हमारे को वी रिक्वायर्ड ये वाले हमारे को ऑरेंज कलर के हमारे को क्रम्प कर रखे हैं हमने। ये देखिए, हमने बहुत सारे, मेरे पास वेस्ट पेपर पड़ा था तो मैंने उनको क्रम्प कर दिया, उसको सर्कल सर्कल बना लिए, उनको क्रश कर लिया अच्छी तरह से और ऐसे करके इसको मैंने राउंड राउंड शेप दे दी। सो आई डू ऑलरेडी प्रिपेयर दीज थिंग्स, सो आई एम कीपिंग ऑल दिस हियर। एंड वी रिक्वायर्ड वन फेविकोल and we require the colors. Okay, let's start our activity. सबसे पहले we will color these leaves. And what is the color of the leaves? Green. So color these leaves with green color. Okay, fine. Do it very nicely. Don't come out. So इस तरह से हमने इसको color कर लिया। Now what next? आगे हम क्या करेंगे? हम यहाँ पे फेविकोल लगाएंगे। वी विल पुट सम फेविकोल। इस तरह से हम फेविकोल लगाएंगे ऑल इन ऑल द पेटल्स। जो पंखुड़ियां होती हैं उसको पेटल बोलते हैं। ये फ्लावर की जो पंखुड़ी होती हैं इसको पेटल्स बोलते हैं। सभी पेटल्स में ऐसे हम फेविकोल लगा देंगे, स्प्रेड कर देंगे फेविकोल। और ऑलरेडी हमने उसको क्रश किया हुआ है, जितने भी ऑरेंज कलर के। आई हैव टू कलर्स, तो मेरे पास वेस्ट पेपर पड़ा हुआ था तो आई प्रिपेयर दैट विद दैट पेपर। सी, ये मेरे पास जरूरी नहीं कि टिश्यू पेपर ही लेना है, या टिश्यू पेपर लेकर तो टिश्यू पेपर ही लेना है, काइट पेपर भी ले सकते हैं। मेरे पास ये, मेरे पास फ्लावर्स रैप करके आए थे, बुके आया था, मैंने उसमें से ये पेपर ले लिया। सो यू वी कैन यूज द वेस्ट पेपर आल्सो। अब वी विल स्टार्ट पेस्टिंग। इस तरह से वी विल स्टार्ट पेस्टिंग। अब ये देखो, मेरे पास ये पेपर, ये भी रैप वाला पेपर में से मैंने ले लिया, तो मिक्स करके हम इसमें सारा पेस्ट करेंगे। ओके, डू दिस एक्टिविटी लाइक दिस, पेस्ट इट वेरी नाइसली एंड यू कैन डू दिस एक्टिविटी विद योर सेल्फ, डोंट टेक योर मॉम्स हेल्प। ठीक है, अपने आप बनाने की कोशिश करेंगे। सो सी, मैंने पूरा फिल कर लिया। नाउ व्हाट नेक्स्ट? मैं इसको थोड़ा हाईलाइट करने के लिए इसको थोड़ा और डार्क कलर का, ब्लैक कलर इसके आउटलाइन कर देती हूँ, थोड़ा और हाईलाइट हो जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा और हाईलाइट करने के लिए ब्लैक कलर कर रही है मैम इसके, तो यू कैन ऑल्सो डू इट। ठीक है, एंड इन बिटवीन ये वाला जो बीच का पोर्शन है, यहाँ पे क्या करना है हमको, यहाँ पे हम वी विल
फिर येलो कलर, इसमें हम येलो कलर करेंगे. सी आवर दिस एक्टिविटी इज कंप्लीटेड. हमने ये कंप्लीट कर लिए. देखो मैंने दो कलर्स के लगाए हैं इसमें. वेस्ट पेपर यू कैन यूज. ओके फाइन. नेक्स्ट एक्टिविटी इज ऑन पेज नंबर 16. व्हाट वी विल डू, इसमें हमको क्या करना है. सबसे पहले एबीसी इज रिटन हियर, तो ज्वाइन द एबीसी. ए देन बी देन सी देन डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम ज्वाइन कर दिया. इसको यदि हम ये वाली लाइन थोड़ी थिन है तो इसके साथ इसको हमने थोड़ा थिक कर दिया. अब क्या हो गया, उसके बाद है एन. तो ये लाइन एम को हमने यहां से ज्वाइन कर दिया. तो एम से हम यहां पे एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड. ओ माउस बन गया. तो अभी हम इसकी ये वाली आउटलाइन जो थिन आउटलाइन है इसको भी हम डार्क कर सकते हैं. सो आई एम डूइंग डार्क ऑन दिस लाइन. ओके फाइन. आर देयर इज अ बी. ये बी तो इसको परेशान कर रही है. तो इस बी के भी हम डॉट्स को आउटलाइन कर देंगे. सो लेट्स स्टार्ट कलरिंग. दिस इज ब्राउन कलर एंड दिस इज पिंक कलर. लेट्स स्टार्ट. तो ब्राउन कलर और पिंक कलर हो गया. रेड कलर इसके वो उसमें हो गया. अब उसके टीथ ब्लू कलर के दिए हैं. आईज में ब्लू शेड दिया है. तो वी आर फिलिंग ब्लू हेयर. देखो सेम हो गया ना, सेम बन गया. अब ये बी तो रह ही गई, तो बी में भी कलर कर देते हैं. बी में वी विल फिल दिस स्काई ब्लू कलर. सो इट्स कंप्लीटेड. डू दिस टू एक्टिविटी इन योर बुक एंड सेंड इट टू योर टीचर. बाय.